सर, जिस तरह से रामरमी का मुद्दा पूरा विधानसभा में छाया है, कई आरोप लगा रहे हैं, तुष्टिकरण की राजनीति की बात हो रही है सर। अच्छा, ये किसको खुश करने के लिए है? आप समझ सकते हैं कोई भी प्रतिबंध का कोई कारण होगा। बिना कोई कारण के, बिना किसी बातचीत के अगर आप किसी चीज के वैभव को कम करना चाहते हैं तो वो सिंपल है कि आप दूसरे किसी राजनीतिक जो खेमा है उसको खुश करने का प्रयास कर रहे हैं। आपने पहले भी किया है, यहाँ आपने विधानसभा में नमाज कक्ष का को जो निर्माण कराया, आपकी प्रयास यही थी। आज रामनवमी का जो को जो आप बाप वैभव, उसका जो आपको मैं ध्यान दिलाऊं कि 16 और 17 में जब यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो उसने राम भक्तों पर रामनवमी में पुष्प वर्षा कराया था हेलीकॉप्टर के माध्यम से, ये सच्चाई है। और आज आप रामनवमी के वैभव को कम करना चाह रहे हैं। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अभी आप यूपी में देखेंगे तो प्रत्येक जिलों में यूपी की सरकार ने 1-1 लाख रुपया दिया है ताकि यहाँ रामनवमी का आयोजन जो है अच्छे से हो सके, वहाँ जो है पाठ अच्छे से हो सके। तो एक वो सरकार है और एक ये सरकार है। दूसरा, मैं आपको एक आंकड़ा देना चाहता हूँ कि पूरे देश में 2021 में 378 दंगे हुए थे, सांप्रदायिक दंगे हुए थे। उनमें सबसे ज्यादा 100 दंगा अगर हुआ था तो झारखंड में हुआ था। क्यों? क्योंकि ये सरकार तुष्टिकरण की राजनीति करती है और ऐसे अवसर लोगों के बीच में देती है जिससे कि लोग भावना में बह करके इन सब चीजों पर आगे बढ़ते हैं। उसी पूरा झारखंड में सर हजारीबाग में ही रामरमी करने को लेकर ये चीजें की गई। सबसे पहले तो ये सोचना चाहिए कि दंगे होते क्यों है। आज यूपी में दंगा क्यों नहीं हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी के शासित प्रदेशों में दंगा क्यों कम हो गया है? आप गुजरात का मामला ले लें यहाँ पर, क्योंकि ये तुष्टिकरण आज ये हिंदू को दिखाते हैं कि हम तुम्हारा दमन कर रहे हैं और सामने वाले को खुश करना चाहते हैं। रामनवमी में ज्यादा वक्त नहीं बचा है, कैसे करेंगे? देखिए, हम लोग तो अभी जो लोकतांत्रिक तरीका है वो लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन तब जरूरत पड़ेगी आगे तो आगे समय बताएगा और आप भी देखिएगा कि क्या क्या कर सकते हैं। सर, जिला प्रशासन कई लोगों पर 107 का मामला दर्ज कर रहे हैं। जिला प्रशासन सर, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी डर के, बिना किसी दबाव के आज किसी मास्टर पे अगर 107 किया जाता है तो क्या ये उचित है? क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि भय समाज में भय व्याप्त करने का प्रयास किया जा रहा है? उसके बाद आप बीजे पर प्रतिबंध लगाते हैं क्यों? अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।